सब्सक्राइब करूँ एमके पोल्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को एवं पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु ए भली फार्मिंग रिलेटेड वीडियो सर्वप्रथमे पाइबा पाई। स्ट्रेस होते हैं, बहुत सारी परेशानी होती है, जो आप इतने दूर से खरीद
लेके आए हैं उसमें भी उसको स्ट्रेस होता है, उसको देने के लिए उसको हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कंपनी की भी बहुत सारी कंपनी की आती है, खरीद के पानी में कम पानी में ही मिला दीजिए। और उसके बाद ग्लूकोज, ग्लूकोज पानी तुरंत में उसको एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज पानी मिलाते हैं। कई बार किसान क्या करते हैं कि गुड़ जो होता है गुड़ को पानी में थोड़ा सा 5% सॉल्यूशन बना लेते हैं और वाटर में रख देते हैं, क्योंकि पहला चीज आते आते चूजा को जो है वो पानी मिल सके, ग्लूकोज से ताकत मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट से जो शरीर में कमी हुए वो ठीक हो जाएगा, विटामिन से इम्यूनिटी मिलेगी और स्ट्रेस कम होगा। ये 2 से 3 दिन जो है उसमें हम क्या करते हैं उसको ये 3 चीज का सॉल्यूशन देते हैं। कई बार हर्बल भी सॉल्यूशन आने लगा है, लेकिन कुछ हो ना हो आप अपने घर में जब लाएं 3 चीज जरूर कर दीजिए कि गुड़ पानी जिसको कहते हैं ना पानी मिला के रखिए। और ये एक चीज और ध्यान में रखना है कि चूजा जितना शुरुआत में उसका मैनेजमेंट ठीक होगा बाद में बढ़ोतरी उतनी अच्छी होगी, अगर शुरू में ही गड़बड़ हुआ तो वो बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा आपका घाटा होगा। अब टेम्परेचर कितना रहना चाहिए 90 से 95 डिग्री सेल्सियस के, और धीरे धीरे उसको हम घटाते हैं, 1 वीक में 5 घटाते हुए नीचे की तरफ चले जाते हैं, यानी धीरे धीरे उसका शरीर जो है वो तैयार होना चाहिए। ये चीज है, इसके महत्व बता रहा हूँ कि पहला दिन से ही उसकी जीवन शुरू हो जाती है, और अगर आपने उसमें रूटीन सही से किया तो हो सकता है कि समस्या आगे कम हो, अगर रूटीन आपने सही नहीं किया जैसे भी आपको सुविधा हो तो ये होगा कि इसकी प्रक्रिया रूडिंग।